आओ जी सिंगर दीप गगन जी वो आन के अपना गीत सांझा करन। इहदे नाल ही एक जरूरी सूचना है, जिथों तक आवाज जांदी है खास करके 26 दे बारे च भी ते जनरल साडे सारे वीरां नूं कि कुछ राजनीतिक आगू वख वख पार्टियां दे अहुदेदार भी हो सकदे है वह कई वारी साडे समागमां च आण के बह जांदे आ। जिस तरीके नाल कमेटी ने अगे अनाउंस किया कोई टैलीविजनां दे अंदर जिहड़े साडे विरोधी टैलीविजन आ साडे विरोधी विचार रखदे आ उहनां नूं साडे वीर हूटन करन लगदे आ। इसे तरीके दे नाल कोई भी आवे जिहड़ा आण के तुहाडे विच बह जांदा सानू उहदा विरोध नहीं करना चाहीदा, उहदे गल नहीं पैणा चाहीदा। जे कोई बंदा भावें कोई एम पी आ कोई एम एल ए आ जिहड़ा आण के तुहाडे विच ही बह गया साडा ते पंजाबियां दा इह अखाण है कि जे दुश्मन भी घर चल के आ जावे ते असीं उहदी दुश्मनी माफ कर दिंदे आ। इस करके ये गल जरूरी याद रखनी है क्योंकि एक घटना जिहड़ी आ मगरली स्टेज जिहड़ी आ उत्थे वापरी आ अज। इस करके असीं सारिआं नूं इतिहास दे तौर ते कहना चाहुंदे आ कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन तो यह कहिंदा रिहा है कि असीं किसी भी राजनीतिक पार्टी के आगू नूं अपनी स्टेज ते बोलन नहीं देना, स्टेज ते चढ़न नहीं देना। पर जे कोई आण के साडे इकट्ठ दे अंदर बैठदा है जां कोई आण के साडे नाल अपनी हमदर्दी जाहर करदा तां उहदा जी आया, पर असीं उहनूं इस तरीके का व्यवहार नहीं करना जिहड़ा साडे अंदोलन नूं नुकसान पहुंचावे। इस गल का खास ख्याल रखना। हुण मैं वीर दीप गगन नूं बेनती करूंगा कि वह अपना गीत गावे, उहदे तों बाद च जोबनजीत सिंह वकील फिरोजपुर तों तैयार रहिण जी।